गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 16 डाटा हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 16.1 इज गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इन हाई स्कूल. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो हमें ये जो डाटा गिवन है, रो डाटा है, इनसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. क्वेश्चन में गिवन है हमें एजेस 25 स्टूडेंट्स की. सो टेबल इस तरह से बनाएंगे हम. एजेस गिवन है हमें, एजेस को जो नंबर्स वहाँ गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, ये हमारे कॉलम होंगे. नाउ यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 10 है एंड 10 वन ओनली वन टाइम ही है. सो 10 के लिए वन टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी में वन. देन फिर 11 है वहाँ नंबर. देन फिर 12, 13 एंड 14. नाउ 11 रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स. सो 5 टैली मार्क बनाएंगे एंड फ्रिक्वेंसी में 5 राइट करेंगे. देन 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो इस तरह से 12 के लिए 7 टैली मार्क बनाया है. यहाँ इस तरह से बनाते हैं 5 का सेट, देन 6 एंड 7. सो 7 एंड देन 13 8 टाइम्स में रिपीट हो रहा है. सो 8 एंड 14 इज 4 टाइम्स, सो 4. सो इस तरह से हमने 25 स्टूडेंट्स की जो एजेस हैं उनको हमने काउंट किया है. अब इसको चेक करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं. सो 1 एंड 5 6 प्लस 4 10 18 एंड 7 25. सो इनका सम 25 है. सो ये टेबल हमारी करेक्ट है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इन अ टेस्ट. आउट ऑफ 10 मार्क्स आर इज फॉलो. सो यहाँ भी हमें मैके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी फॉर द अबाउट डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इफ द पासिंग मार्क्स इज 4. सो ऐसे बनाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल. मार्क्स की वन है हमें वहाँ. स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट मार्क एंड लार्जेस्ट इज 9. सो इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया. देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. देन फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इफ द पासिंग मार्क्स इज 4. सो पासिंग मार्क्स 4 हैं अगर तो कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं. सो 4 एंड इसके आफ्टर जितने भी मार्क्स हैं वो जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हमें काउंट करना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सो हम इस आंसर के लिए इन सबको सम करेंगे. 4 plus 3, 6, 3, 9, 3, 12 to 14 and sorry 4 plus 3, 7, 3, 10, 3, 13, 16 or 2, 18. सो 18 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं यहाँ. देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड. सो 4 से जिनके कम मार्क्स हैं, 4 यहाँ हैं एंड 4 से लेस मीन्स 0, 1, 2, 3 मार्क्स इन स्टूडेंट्स के आए. 2 plus 1, 3, 4, 7 and 5, 12. तो 12 स्टूडेंट्स यहाँ फेल हो रहे हैं. देन थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 8 मार्क्स. सो 8 से मोर मीन्स 9 मार्क्स जो आए हैं वो ओनली 3 स्टूडेंट्स के आए हैं. सो इसका आंसर 8 से मोर 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं. सो 3 इसका आंसर हो जाएगा. देन फोर्थ इज विच मार्क्स इज अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली. सो इसका मीनिंग ये है कि कौन सा मार्क्स जो है वो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के उतने ही मार्क्स आए हैं. सो अगर हम चेक करते हैं तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 3 नंबर्स आए, 3 मार्क्स आए हैं. सो इसीलिए 3 मार्क्स जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है. सो इसका आंसर 3 हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें डाटा गिवन है मार्क्स का. आउट ऑफ 50 ऑब्टेंड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट. इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जैसा कि हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं. देन फोर्थ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 36 स्टूडेंट्स आर इज फॉलो. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबाउट डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर. सो अगर हम चेक करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ है 39. सो 39 इज़ द लोवेस्ट स्कोर एंड विच इज़ द व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर. सो हाईएस्ट स्कोर यहाँ है 90 से बिगर 98 है. सो 98 इज़ द हाईएस्ट स्कोर एंड इफ़ पासिंग मार्क्स इज 45 सो हाउ मैनी हैव फेल्ड. सो ऐसे इसकी टेबल बन रही है यहाँ फ्रिक्वेंसी टेबल. 45 पासिंग मार्क्स है.
सो फेल्ड हो जाएंगे जिनके 39 और 44 मार्क्स आए हैं, मीन्स 2 एंड 2, 4 स्टूडेंट्स यहाँ फेल हो रहे हैं। देन फोर्थ, हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स, सो लेस देन 60, 60 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, सो इसके लिए हम 60 से कम लेस मीन्स इन स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे। सो 2 एंड 2, 4 टू 8, 2 एंड 2, 4 टू 6 और 4 10 एंड 6, 16 स्टूडेंट्स हैं।